Everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the questions that are frequently asked in the interviews, right? इंटरव्यूज में ज्यादातर जो कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में मैं ये स्पेसिफिकली वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि देर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस अबाउट द क्वेश्चंस, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में. तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में स्पेसिफिकली, जब मैंने एक गेस्ट अपेयरेंस की थी मिस्टर ऋषभ के साथ, तो उनके साथ मैंने एक्चुअल में डिस्कशन की इसके बारे में. काफी सारे कमेंट्स आए कि CSIR में जो हम लोग प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था यू कैन अर्न अबाउट 25,000 पर मंथ स्टार्टिंग राइट फ्रॉम देयर, तो वो किस तरह से हम लोग, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या वहां पर हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, वो पालमपुर वाले में वर्क करते हैं. तो देर आर मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट. तो हर एक क्वेश्चन का आई हैव ट्राइड टू आंसर, है ना, हर एक कॉमेंट सेक्शन में मैंने ट्राई किया है कि हर एक का आंसर दूं उनसे पूछ के, कई उन्होंने भी आंसर दिए होंगे. तो सारे के सारे जितने भी चीजें थी वो मैंने उनसे कन्फर्म कर ली हैं और सारी की सारी मैंने उनसे पूछी हैं. तो उसके बाद आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा इजी हो. अगर और भी कोई क्वेश्चंस होंगे यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, उसी कमेंट मेरे अभी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो. तो फर्स्ट थिंग दैट वाज आस्क वाज कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, है ना. तो ये जो प्रोजेक्ट के लिए जो आप इंटरव्यूज देते हो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए इंटरव्यूज देते हो, इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इट वाज फॉर योरसेल्फ ओनली, कि अपने बारे में बताइए, है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, है ना. तो उसमें आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, एक तो अपना नाम करना होता है, अपना जगह आप कहाँ से बिलोंग करते हो, देन आफ्टर यू हैव टू से अबाउट द क्वालिफिकेशन यू हैव बीन डन, या फिर आप अभी कर रहे हो रिसेंटली वो कौन सी क्वालिफिकेशन कर रहे हो. अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में भी बताओ कि आपने पहले भी ये रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है किसी पे, ठीक है. तो जब आप रीसेंट वाला अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बताओगे कि आपने कौन से पे अभी काम किया है उस पे, तो दे विल आस्क यू समथिंग अबाउट दैट टू, है ना, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. उसमें कोई टेक्निक्स लगी होंगी तो उसके बारे में पूछेंगे कि आपने जो प्रोजेक्ट किया था पिछली बारी, रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, या अपने MSc के टाइम पे ही कई बार रिसर्च प्रोजेक्ट कई बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अगर किया था, आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इट वॉज ऑन नॉड्यूलेशन ऑन द लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट. तो उसके रिगार्डिंग मैंने क्या क्या उसके अंदर टेक्निक्स यूज की थी, कैसे मैंने फिगर आउट किया था, क्या क्या चीजें मैंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई की थी, है ना, रिजल्ट्स क्या आए थे, ठीक है, टेक्निक्स बायोकेमिस्ट्री वाली कौन सी यूज की थी, बायोटेक्नोलॉजी की कौन सी टेक्निक्स यूज की थी, उसके बारे में हर एक इन्फो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए. आपकी चीज है, आपने वो रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली आपको उसके बारे में जानकारी आपसे ज्यादा किसी और को नहीं हो सकती, है ना जी. तो उसके बारे में आपको सारी की सारी उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो सारा का सारा पूछा जाता है. देन आफ्टर जो जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, काफी सारे कमेंट सेक्शन में मैंने ये भी, कमेंट सेक्शन भी और ईमेल भी मेरे को काफी ज्यादा आए थे उस टाइम में, तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया था. काफी लोग पूछते थे कि हमने जिस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है हम लोगों को नहीं पता, है ना. तो अवेयरनेस रखनी होगी कि किस चीज के लिए आप अप्लाई करते हो. नॉर्मल सी चीजें कई बार बंदा भूल भी जाता है, पता क्या होता है, क्योंकि व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग लाइक जॉब्स, लाइक प्रोजेक्ट असिस्टेंट बनना है, कुछ भी करना है ना, जिससे आपको अर्निंग मिल सके, तो आप क्या करते हो, मल्टीपल जगहों पे करते हो, है ना. तो आपको कईयों का अंदाजा नहीं होता कि वहां से मुझे कॉल आ जाएगी इंटरव्यू की, या फिर कुछ इस तरह से होगा, है ना. तो अगर बाय चांस आपको कॉल आ गई तो आपको याद नहीं रहता, है ना. तो आप क्या किया करो, डायरी में बेशक सारा लिख लिया करो कि मैंने इस डेट को इसके लिए अप्लाई किया था, इसका काम था ये, ठीक है. तो अगर आप प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए CSIR में अप्लाई कर रहे हो, या फिर कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, IFBT कहीं पर भी कर रहे हो, तो हर एक में फॉर्मूला जो इंटरव्यू का रहता है और जो क्वेश्चन रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं. वो आप कहाँ से पूछेंगे, वो आपसे रिलेटेड पूछेंगे कि आपने क्या किया हुआ है, उसकी टेक्निक्स में क्या था, या जिस प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको पूछेंगे, ठीक है, कि कौन से प्रोजेक्ट में आपने काम किया हुआ है उसके बारे में आप लोगों को पूछेंगे.
तो अप्लाई जिसके बारे में किया है उसके बारे में सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो आपसे कई बार ऐसा क्वेश्चन ट्रिकी सा भी पूछ सकते हैं कि कैसी कैसी जो टेक्निक्स हैं वो उसमें अडॉप्ट की जा सकती हैं, जो आपको लगता है वो आपको जस्ट टेस्ट करेंगे कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना, तो वो वाला सारा पूछेंगे। तो आपको एक और चीज पूछ सकते हैं, अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हो कि आप रिलोकेट करना चाहते हो, आपको एक तो रिलोकेशन का पूछेंगे कि आप रिलोकेट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और लास्टली आपसे ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप अगर उस जगह के लिए कंफर्टेबल हो, वहां पर रहना पसंद करते हो, वहां जाना चाहते हो, तभी आप कर सकते हो, बिकॉज यू नो ये ऑनलाइन नहीं चल सकता है ना, यू हैव टू वर्क इन द लैब्स फॉर दिस पर्पस, प्रोजेक्ट असिस्टेंस के लिए। तो वहां पर आपको कंफर्टेबिलिटी जितना आप कितना कंफर्टेबल हो उस जगह के लिए वो आपसे ऑब्वियसली पूछेंगे। सो यही जो टोटल ऑफ द क्वेश्चंस हैं यही आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं, इसमें इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चंस या बाहर के क्वेश्चन, इधर के क्वेश्चन, वीकनेस, वो ये सब कुछ इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बिकॉज ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब है आप कह सकते हो। तो इसमें आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपके रिसर्च जो आपने पहले कर चुके हो वो है, अगर नहीं की तो अपकमिंग वाली जो टेक्निक्स है उसके बारे में आपको कितनी नॉलेज है, कौन कौन सी टेक्निक्स हम ये वाला जो आपने अप्लाई किया है रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसमें कौन कौन सी अडॉप्ट कर सकते हो, उसी के बारे में दे विल बी आस्किंग। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछते, मेनली अगर थोड़ा होता आप लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए स्टार्टिंग में आपके बारे में पूछ लिया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता। और अगर पालमपुर वाली बात करो CSIR की, तो वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज है और मोस्टली प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम जहां पर भी होता है वहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज आर देयर, हॉस्टल फैसिलिटीज होती ही होती है वहां पर, और उसके लिए यू हैव टू पे देम राइट। वो उसका ऐसा नहीं होता, काफी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि वहां पर वो फ्री होता है कि नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट फ्री ओवर देयर राइट। तो उसके लिए बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं, और आपको मंथली सैलरी वगैरह तो मिलती है, इट इज 25,000 राइट, और उससे ज्यादा भी हो जाती है अगर आपने और भी कुछ आपका एक्सपीरियंस उसके अंदर ज्यादा है या नहीं है ठीक है। और मोस्टली जो बच्चे प्रोजेक्ट्स निकलते हैं वो सारे के सारे जितने भी निकलते हैं वो ज्यादातर निकलते हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड मोस्टली ठीक है, बायोटेक के रिलेटेड, इसके रिलेटेड बोटेनिकल भी काफी सारे निकल जाते हैं, बोटेनिकल टेक्निक्स वालों को भी ज्यादातर ले लिया जाता है, और जूलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बॉटनिस्ट चाहिए, उनको जूलॉजिस्ट चाहिए, या फिर उनको बायोकेमिस्ट चाहिए है ना, बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड पर्सन चाहिए, तो वो उनकी है, आप अप्लाई करते रहो, ट्राई करते रहो, क्या पता कहीं ना कहीं बन ही जाता है कहीं ना कहीं बार है ना, बिकॉज समटाइम्स यू डोंट नो दैट हाउ मच कैलिबर यू आर हैविंग एंड व्हेन यू स्टार्ट गिविंग द इंटरव्यूज यू केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स राइट, यू हैव द कैलिबर ऑफ डूइंग दैट टू। तो कोई भी ऐसा नहीं होता, काफी लोग ना ये समझने लग पड़ते हैं, सॉरी मेरे को बच्चे बच्चे कहने की आदत है बिकॉज मैं पढ़ाती हूँ ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली, काफी सारे लोग ये सोचते हैं अप्लाई करने से पहले, या मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, या मैंने तो वहां पर किया ही नहीं हुआ, या वो नहीं किया। हाँ, ये जरूर देखो कि वो आपकी एक्सपीरियंस में एड ऑन होने के लिए अच्छी चीज है कि नहीं है ठीक है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जितनी जॉब्स आती है वो एक्सपीरियंस आपको ऑब्वियसली देती देती है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया था कि एक्सपीरियंस देती है कि नहीं देती, तो यस दे गिव द एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जगह पर काम कर रहे हो, उस फील्ड में काम कर रहे हो, तो दे विल डेफिनेटली गिव यू समथिंग आउट ऑफ दैट राइट। एक्सपीरियंस आपको पूरा का पूरा वहां मिलता है। अगर आप साइंस की फील्ड में चल रहे हो तो इट इज वेरी मच गुड फॉर यू टू वर्क ओवर देयर राइट। तो वो वाला सारा एक्सपीरियंस। हाँ, अगर आपको टीचिंग में जाना है तो आपका रिसर्च वाला एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट टू गो इन द टीचिंग लाइन यू हैव टू हैव द एक्सपीरियंस इन द टीचिंग लाइन ओनली राइट। तुम्हें टीचिंग लाइन में ही एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा वहां पर। यू कांट सी ओवर द थिंग्स लाइक दैट कि अगर मैं रिसर्च में हूं तो रिसर्च का जो आपका है एक्सपीरियंस वो टीचिंग में चला जाएगा, वो नहीं जाएगा, क्योंकि आपने टीच तो किया ही नहीं स्टूडेंट्स को है ना, आपने अपना रिसर्च वर्क किया है, तो रिसर्च वर्क का जो एक्सपीरियंस होगा वो रिसर्च वाले टाइम पे जाएगा, और जो टीचिंग वाली लाइन का एक्सपीरियंस होगा वो टीचिंग वाली साइड पे जाएगा ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में पहले क्लियर रखना कि मुझे PhD वाली साइड जाना है, रिसर्च
have to be so clear about the fact that whether you want to go in the research types, right, ki PhD karni hai, research hi karni hai, in projects mein kaam karna hai, ya whether you want to go in a teaching line, right, ki aapko teach karna hai. Agar teach karna hai, you want the teaching experience, aapko bachchon se interaction honi chahiye, aapko teaching ka experience hona chahiye, hai na, wo sab cheeze honi chahiye. अगर आप दूसरी वाली साइड देखो, रिसर्च की तरफ जाना है, तो ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होते, बिकॉज इतना प्रोजेक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, मोस्टली इट कैन बी ऑफ द 2 years 3 years, राइट. इसके बाद आप कहीं और प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर वही प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड हो जाता है तो वहीं पर वर्क कर सकते हो, ठीक है. बट टीचिंग का क्या रहता है, अगर आपने एक जगह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर दूसरी जगह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस मिलता गया, तो आप टीचिंग में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो. तो जो प्रोजेक्ट्स का होता है, समटाइम्स यू हैव टू वेट अपॉन दिस थिंग कि हाँ भी अगर वो पहला प्रोजेक्ट आपका क्लोज हो गया है तो आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट वाला अडॉप्ट करने के लिए. अगर वही वाला चल रहा है तो वही वाला स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे के सारे कन्फ्यूजन्स थी इसके रिलेटेड. अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल भी गिवन होगी आपको, और इंस्टाग्राम में यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एज मिथ आंशा तनेजा, राइट. मिथ के नीचे वो नीचे है, फिर उसके बाद आंशा है और तनेजा है, ठीक है. वो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको दे दूंगी उसके रिगार्डिंगली. इफ यू वॉन्ट एनी ऑफ द क्वेश्चन, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना है. हाँ, एक और चीज, इफ यू वॉन्ट एनी कोलेबोरेशन, राइट, इफ यू वॉन्ट टू शो योर थिंग ऑन माई चैनल, या फिर कोई आपको चीज प्रमोट करनी है, या फिर मेरे व्यूअर्स के बारे में अगर मेरे को आपकी चीज वो ठीक लगती है तो मैं आपको अपने चैनल पे शो केस भी कर सकती हूँ, ठीक है. तो आप वो सब कुछ मेरे को बता सकते हो, आप मेरे उसमें ही डीएम कर सकते हो मुझे, ठीक है. और जो मैंने इंस्टा का आपको लिंक वगैरह सारा का सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसमें. तो ये जितने भी क्वेश्चन थे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है, हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करके बता दी है. इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, कि इसके रिगार्डिंग और भी ज्यादा क्वेश्चंस आपके पास हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, राइट. सो यू कैन आस्क देम ऑल्सो. ये सारी की सारी चीजें जो है, मैंने जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है CSIR में, मिस्टर ऋषभ, जिनकी वीडियो मैंने आपको पहले की थी, तो उन्हीं से पूछ के सारी की सारी मैंने की है, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं था इस टाइम पे वीडियो करने का. तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके मैंने यहाँ पर खुद ब खुद मैंने आप सबको बता दी है. तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आपकी हर एक क्वेरी को मैं उनसे पूछ के आप लोगों को बता दूंगी, बिकॉज प्रोजेक्ट असिस्टेंट की लाइन में मुझे इतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस नहीं है, बिकॉज मेरी लाइन टीचिंग में है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स में नहीं है, उनकी है. तो उनसे ऑब्वियसली आई विल आस्क द सम क्वेश्चंस, है ना, कि क्या क्या जितने भी आपके कमेंट सेक्शन होते हैं वो सारे रिप्लाई मैं उनसे पूछ के करती हूँ, क्योंकि उनकी फील्ड है तो उनको उनके बारे में ज्यादा नॉलेज है, राइट. सो कोई भी क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क एनी टाइम, तो मैं आपको पूरी की पूरी वो पूछवा के या कुछ भी करके आप लोगों तक उसका आंसर जरूर पहुंच जाऊंगी. और मैंने कोशिश भी की है कि हर एक कॉमेंट सेक्शन में हर एक कॉमेंट्स का मैं जवाब दे सकूं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे. आई होप आप लोगों को सारी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, बिकॉज जितना ज्यादा शेयर करोगे उतनी ज्यादा लोगों की कन्फ्यूजन दूर होगी. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई, और काफी सारे लोग चाहते भी थे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूं, और मैंने आप लोगों के लिए आज वीडियो तैयार कर दी है फाइनली इन चीजों की. तो आई होप आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग मिली होगी. अगर कोई क्वेश्चन होंगे यू कैन आस्क, राइट. सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू, बाय बाय.